केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की संकल्पना से खासा सांस्कृतिक महोत्सव इन दिनों नागपुर शहर में शुरू है। इस दौरान कई नामचीन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा मनोरंजन कार्यक्रम पेश किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में शहर के प्रसिद्ध रजनीगंधा म्यूजिकल अकेडमी द्वारा रजनीगंधा म्यूजिकल शो के माध्यम से गीत गायन कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है। खासा सांस्कृतिक महोत्सव की हर कोई राह देखता है। यह कलाओं से परा ऐसा महोत्सव है जिसकी राह स्थानीय कलाकार के साथ साथ हर नागपुरवासी देखते हैं। कलाकारों के लिए खासा सांस्कृतिक महोत्सव का मंच एक उपलब्धि है जहां हर स्थानीय कलाकार अपनी कला को प्रस्तुत करने की मंशा रखता है। इसी श्रृंखला में 2 दिसंबर को स्थानीय रजनीगंधा म्यूजिकल अकेडमी की ओर से रजनीगंधा म्यूजिकल शो का आयोजन किया गया था, जिसके माध्यम से रजनीगंधा म्यूजिकल शो में कलाकारों द्वारा गीत गायन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। रजनीगंधा की निर्देशक परिणीता माथुरकर की टीम ने गीतों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम की प्रस्तुति सुशील तिवारी ने की। खासदार महोत्सव जो नागपुरवासी हर साल जो है इस महोत्सव का जो है बेसब्री से इंतजार करते हैं और उसकी शुरुआत हो चुकी है और हम देख रहे हैं कि यहाँ बड़े बड़े कलाकार जो है अपने जो प्रतिभा है यहाँ नागपुरवासियों के सामने दर्शा रहे हैं। साथ ही साथ ये मंच जो है स्थानीय कलाकार भी ये साझा कर रहे हैं। हमारे साथ आज है रजनीगंधा म्यूजिक अकेडमी जो है आज ये मंच साझा कर रही है और अपनी प्रस्तुति देने जा रही है। हमारे साथ परिणीता मैडम है, उनसे हम जानेंगे आज की प्रस्तुति के बारे में और इस मंच आज जो साझा करने वाले हैं उसके बारे में क्या बताओगे? सबको एक प्यार भरा नमस्ते। एक्चुअली हमको आज ये जो एक मौका मिला है हमारी प्रतिभा सब लोगों के सामने रखने का, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं खासदार समिति महोत्सव जिन लोगों ने अरेंज किया है, स्पेशली नितिन गडकरी जी एंड पूरी ये समिति जो है, इन सब की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि यहाँ के जो लोकल जो टैलेंट है उनको भी अपनी प्रतिभा दिखाने का एक हमको एक संधि उपलब्ध इन्होंने करा के दी है। यहाँ पे बड़े बड़े कलाकार आके गए, श्रेया घोषाल, बेनी दयाल, अदनान स्वामी, और इन लोगों के बीच में यही स्टेज पर हमको आज गाने का मौका मिल रहा है। मैं सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ एंड आई प्रॉमिस दैट वी विल ट्राई टू गिव अवर बेस्ट। आज का जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे नागपुर वासियों को? और आपने कई कार्यक्रम सादर किए लेकिन खासदार महोत्सव का मंच है तो एक क्या संदेश देना? हाँ, एक्चुअली रजनीगंधा के आज तक तो 300 से ज़्यादा शो हो चुके हैं, इनमें से कुछ सेलिब्रिटी शो भी है। हम लोकल सिंगर्स जो है हम उनको स्टेज उपलब्ध करा कर देते हैं, हम लोगों को स्टेज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हर किसी का सपना होता है एक अच्छे स्टेज पर जाकर सिंगिंग करने का, बट हर किसी के लिए पॉसिबल भी नहीं होता है, तो इसलिए फिर हम लोग उनको स्टेज उपलब्ध करके देते हैं। लेकिन खासदार महोत्सव समिति का ये जो बड़ा सा स्टेज है इसके ऊपर गाने का जो हमें आज एक मौका मिला है, हमें आज ये जो एक संधि उपलब्ध करा के दी है, तो हम लोग बहुत खुश हैं और हमारे जो कलाकार है आज यहाँ पे बेस्ट उनका देंगे। तो हमने देखा कि हर साल जो है कई बड़े कलाकार, दिग्गज कलाकार यहाँ अपनी प्रतिभा को दर्शाते हैं और साथ ही साथ ये मंच जो है स्थानीय कलाकारों के लिए भी एक बहुत ही अच्छा मौका या संधि जो कहते हैं वो मतलब इसे कहा जा सकता है, क्योंकि उन्हें भी अपनी प्रतिभा को दर्शाने का एक यह जरिया है खासदार सांस्कृतिक महोत्सव का मंच। निश्चित ही यहाँ पे स्थानीय कलाकार अपनी प्रतिभा दिखाते हैं, अपनी अपनी जो कला है वो प्रस्तुत करते हैं और आज जो है यहाँ की स्थानीय कलाकार प्रणीता मैडम और उनकी जो बाकी साथी है आज अपनी प्रस्तुति देने जा रहे हैं, जिसके लिए खासदार महोत्सव के समिति का उन्होंने यहाँ भी आभार भी माने हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।